2019 का लोकसभा इलेक्शन सेना और फौज के नाम पे लड़ा जा रहा है। इस चुनाव के अनाउंसमेंट के कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था सीआरपीएफ के कन्वॉय पे और बहुत लोग की जान गई थी उसमें। उसके बाद ये मुद्दे को इस इलेक्शन में भुनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुल के अपने पॉलिटिकल स्पीच में ये कहा है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो ईवीएम मशीन पे बटन दबाने से पहले पुलवामा के हमले को ध्यान में रखें। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्या सरकार जो अपने को सेना की हितैषी कहती है कितनी हितैषी है सेना की, आज हम सेना के कुछ लोगों के की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो लोग हैं, सीआरपीएफ से टर्मिनेटेड हैं। पंकज, क्या हुआ था आपके साथ, क्यों टर्मिनेशन हुआ आपका? हुआ ये था कि जिस तरह से कल गढ़चिरौली में 16 जवान मारे गए और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रही है, ना सीआरपीएफ के उच्च अधिकारी ले रहे हैं, ना सरकार ले रही है, ये अब किसी घटना से हर कोई दूर भागता जा रहा है। तो इसी तरह से सुकमा कांड जो है होली में घटा था 2017 में, जिसमें 27 जवान मारे गए थे, उसमें एक मेरा कज़न भाई भी मारा गया था, अभय मिश्र नाम का था। उसके शहीद होने के बाद हम लोग साथी थे, काफ़ी क्लोज मेरा भाई था, फ्रेंड भी था। तो इस तरह से हमने भावुकता होकर के, और उसी वक्त राजनाथ सिंह जी की ट्वीट आई कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और हम इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे, तो हमने उनकी रिट्वीट कर दिया कि आप जो है सिर्फ घटना की निंदा करते रहते हैं, न कि बल्कि जवानों को कुछ खुली आदेश देते हैं, और हमें आदेश दीजिए अगर आपको थोड़ी भी अगर ये लगे जवानों के प्रति हमदर्दी, तो आप जवानों के घर पे जाकर श्रद्धांजलि दीजिएगा, तो आपको सर उनके दुख दर्द समझ में आएंगे। तो इस बात से मुझे बहुत प्रताड़ना हुआ, झेलना पड़ेगा, सीआरपीएफ ने मुझे अंडरग्राउंड कर लिया गया और मुझे मजबूरन वहाँ से भागना पड़ेगा, जैसा इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे दिखाए गए हैं। तो जो दिल्ली हाईकोर्ट में सरेंडर हुए, 9 बजे लगे, फिर उसके बाद सीआरपीएफ चीफ के पास राजीव राय भटनागर जी से मुलाकात हुई, उनको सारी समस्याएं बताई, उन्होंने मेरा आसाम पोस्टिंग कर दिया। तो आसाम पोस्टिंग करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत 2 महीने तो नॉर्मल रहा, उसके बाद इंक्वायरी खोल दिया, फिर उसके बाद मारा पीटा भी और बहुत टॉर्चर झेला, फिर अंततः मुझे जो है सोशल मीडिया का सहारा लेके करना पड़ा, जिससे मेरी जान बच जाए। नहीं तो फौज में ऐसा होता है कि कोई भी जवान को इल्लीगल मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसे कह दिया जाता है कि आप ये बंदा जो है खुद घर के परेशानी के कारण ये उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो इस वक्त मीडिया बंधुओं ने हमारा साथ रहा था, तो मुझे सीआरपीएफ ने मजबूरन जेल में डाल दिया था, 4 महीने मैं जेल में रहा था। क्या रीजन क्या बताया गया, क्यों आपको जेल में रखा गया? रीजन ये बताया गया था कि आप जो है राजनाथ सिंह जी की आलोचना नहीं कर सकते, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, और आप जो है कि बगैर ये मतलब सोशल मीडिया का आप सहारा नहीं ले सकते किसी भी चीज़ का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने, ठीक है हम गरीब किसान मजदूर के लड़के हैं, तो आप हमने बर्खास्त कर दिया, चलो ठीक है हम गरीब पर, जो हमारे पे रूल होता है वही रूल सेम जो न्यायपालिका के चीफ जज ने किया था कि उनको भी मीडिया में जाने का अधिकार नहीं था। चार वरिष्ठ जज ने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यायपालिका खतरे में है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी हमारे नहीं न कहे कि हमारे जमीर जो है हम क्या कर रहे थे, ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया। आज हम पूरे देश से बर्खास्त हुए जवान जो 2.5 से 3 हज़ार हैं इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर के हमने तेज बहादुर जी, जो कि उन्होंने दाल पानी के लिए सही आवाज़ उठाया था, हमने मुहिम छेड़ दी कि बनारस में, चलो मोदी जी बनारस ही नहीं, जहां से लड़ेंगे वहां से हम जो है इनके लिए विरुद्ध लड़ेंगे, और हमारा मकसद डिपार्टमेंट में बैठे उन अधिकारियों को कि जो लोग हमें सिपाहियों से जूता पॉलिश करवाते हैं, अपने बीवी बच्चों के कपड़े धुलवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं और उनसे बहुत गंदी कामें करवाते हैं सिपाहियों से, जवानों से, जबकि भारत सरकार का एक जवान की सैलरी 40-45 हज़ार है और उसका काम है 47 लेकर रखवाली करना, जंग लड़ना और जो है देश की शांति माहौल का स्थापना करना, ना कि किसी ऑफिसर के घर जाके झाड़ू पोछा लगाना, उनके बीवी बच्चों को खुश रखना, मैडम को पार्लर ले जाना। ये इतना भ्रष्ट हो चुका है कि जैसे सेना में ये बहुत कमी हो चुकी है, इससे परेशान होकर आए दिन हमारे जवान आप खुद देखते हैं कि आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं। नतीजा खुद देख लीजिए कि एक साल के अंदर 900 कुछ समथिंग जवानों ने आत्महत्या कर ली। आपकी अपनी कहानी पे ले जाते हैं, आपने फेसबुक पे या ट्विटर पे एक पोस्ट किया था कि राजनाथ सिंह से पूछा था जो होम मिनिस्टर है इंडिया के,
कि आप सिर्फ निंदा करते हैं, कभी कोई कार्रवाई नहीं करते, इसके लिए कितनी बड़ी सज़ा झेलनी पड़ी आपको? सर ये मेरा क्या हुआ था, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएं कि क्या हुआ था डिटेल जी। जब मैंने राजनाथ सिंह जी की आलोचना किया था, उस वक्त क्या हुआ कि डिपार्टमेंट में आपको कुछ मालूम नहीं चलता है आपके ऊपर पीछे क्या कार्रवाई हो रही है। तो एकाएक आया, मैं तो उस वक्त ड्यूटी में था और मेरे 47 मैगजीन्स, तमाम गोलियां, जितने राउंड्स हैं सारा ले लिए गए। मुझे बोला गया कि तो आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। मैं बोला अभी तो मेरी ड्यूटी भी ख़त्म नहीं, शाम को टर्न है, उसके बाद ख़त्म नहीं, आपकी ड्यूटी दोपहर से ही ख़त्म हो गई है। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है। फिर शाम को उन्होंने क्या हुआ, मुझे अलग जगह ले जाकर, एक रूम था उसमें लगा दिए गए बिस्तर। उस तरह पोस्टिंग कहाँ दिया उस वक्त? हमारे पश्चिम बंगाल में थी। तो वहाँ पर जो है उन लोगों ने ऐसी घटना कि मुझे शक होने लगा कि ये बंदे कुछ करेंगे, क्योंकि उसी वक्त की घटना है कि एक हमारे राय मैथ्यू जवान ने जो है सिर्फ यही कहा था कि हाँ मैं मैडम के जो है कपड़े धोता हूँ, उनकी जो है जूती पॉलिश करता हूँ और मुझे खाना खिलाना पड़ता है। तो उस राय मैथ्यू केरल का जवान है और उसको इन लोगों ने, अफसरों ने फांसी लटका दिया था कैंप के अंदर, और 3 दिन पहले उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसकी न जाँच हुई, न पूरी कार्रवाई हुई और बड़े बड़े अधिकारी ऐसे फ्री रह गए। तो हमने बोला कि ये जवान अगर हम बाहर नहीं भागेंगे, अगर हम कैंप कुछ नया नहीं करेंगे, तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। और मैं पहला ऐसा शख्स कि CRPF के कैंप से भागने में सफल रहा। मैं गर्व से कहता हूँ भागा। क्यों भागा? क्योंकि अगर मैं नहीं भागता तो आज मीडिया के सामने नहीं आता, और हम जैसे जवान आगे नहीं बताते और अंदर की बात नहीं बताते तो कोई नहीं जानता। लोग बोलते कि फौज में का मैटर था, आत्महत्या कर लिया होगा डर के मारे। तो ऐसे शंका लगा। भाग के कहाँ गए? मैं भागा तो चूंकि वहाँ से भाग के दिल्ली हाईकोर्ट में हमने सरेंडर किया था। तो मुझे जो आप FIR हो चुकी थी? हाँ, मुझे FIR कर दिया था, उन लोगों ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, मतलब उनका जो प्रोसीजर है वो अपना कर दिया था, क्योंकि मैं उनके चुंगल से भाग चुका था। मुझे राय मैथ्यू का दे रहा था, हालांकि जज साहब ने ये बात पूछे थे कि आपको CRPF आपकी रक्षा कर दी। मैं बोला ऐसा नहीं करती, राय मैथ्यू भी था, लेकिन राय मैथ्यू को उन लोगों ने नहीं कॉपरेट किया। सेना में जो भी आवाज़ उठा रहा है यानी जूता पॉलिस के खिलाफ, उनको ये लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। सेना ने सामने भी माना और सुरक्षा की गारंटी देते हुए मुझे जो है पुनः CRPF में भेजा था, लेकिन उन्होंने बरहम नहीं बरता, दोनों हाथ पैर बांध के एक टेररिस्ट जैसा बिहेवियर करके बहुत मारा। मारते मारते इतना करे कि CRPF से आज डर खत्म हो गया। जब राजीव राय भटनागर जी जो CRPF के चीफ हैं अभी भी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप निश्चिंत होकर जाइए, कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं आपका ट्रांसफर आसाम कर देता हूँ। और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि मेरा बिहार कर दो, मुझे प्रमोशन दे दो, मैं अपनी स्वेच्छा से कोई राजनीतिक नहीं मार। मैंने तमाम लोगों को मांगा था कि ये सुविधाएं दे दो, और मैंने राजीव राय भटनागर जी से ही बोला था कि कुछ सुधार कर दीजिए, आपकी बहुत रहम होगी और हम जैसे कोई गलती नहीं है, मेरा भाई का दर्द था, हमने रहम। उन्होंने बोला कि आप जाइए, कोई इशू नहीं होगा। जब आसाम गया 2 महीने तक नॉर्मल था, सामान्य ड्यूटी कर रहा था लोगों की तरह, लेकिन उसके बाद इंक्वायरी खोल दी कि आपने राजनाथ सिंह जी की क्यों ट्वीट की, क्यों उन्होंने बोला आपका फर्ज नहीं बनता है। मैं बोला ये कौन सा है, अगर बच्चा घर में रोता है तो जाहिर सी बात है कि अपने माता पिता किससे बात कहना चाहता है। अगर रोएगा तो माँ बाप के पास ही तो जाएगा ना, कि किसी दूसरे के पास जाएगा। हमने तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के गृहमंत्री से शिकायत की है या चाइना के गृहमंत्री से शिकायत की है, हम तो अपने ही देश के हैं ना। और फौज का डायरेक्ट कनेक्शन गवर्नमेंट से होता है, ना कि किसी और से नहीं होता है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो और रही बात जो क्लियरिफिकेशन का, तो हमने तो CRPF चीफ से ही बता दिया और उन्होंने बोला कि आपके कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर उन्होंने मुझे जो है आसाम भेजा, और आसाम के 2 महीने बाद मुझे उल्टा सीधा मेंटलिटी हैरासमेंट, मतलब न समय से न खाना देना, न पीना देना, कोई मुझसे बात न करना, जो मुझसे बात करे उसको अलग इंक्वायरी, क्यों बात किए, क्यों पंकज मिश्रा से बात किए, आप क्यों उसके साथ टहले, मतलब अलग तरह से टॉर्चर। उस हैरासमेंट के बाद मैंने ये पूछा कि आखिर ऐसे मैंने क्या किया, मुझे कैंप से बाहर नहीं जाने देना, मुझे मेरा मोबाइल ले लेना, कनेक्शन खत्म जितने घर परिवार से थे, और मेरे साथ जो उच्च अधिकारी के ये थे नमूंदे थे वो मेरे साथ गार्ड में लगा देना, ताकि ये बंदा कहीं भी जाए किससे बात करे दिन भर। मैं यानी टॉयलेट करने के लिए भी जाता था तो मेरे साथ 4 जवान गार्ड की तरह लगे रहते थे। ये चीज़ मुझे लगी। मैंने एक दिन पूछा तो उन्होंने बेवजह सबको सामने नमूने पेश करके पूरे कंपनी में सारे जवान को फॉलिंग करके, ये जवान कोई नहीं बताएगा कि क्या क्यों ये सही है या गलत, क्योंकि सबकी अपनी नौकरी होती है, और सबों के बीच मुझे मारा पीटा गया। ऐसा क्यों न्याय थी? अगर मैं चाहता तो वहाँ से नक्सलवाद, आतंकवाद के रूप
रूप में, भयंकर रूप में जा सकता था। यहाँ असम में अल्फा नाम का संगठन है, बोडोलैंड का संगठन है, उन लोगों के मत सक्रिय हो सकता था, लेकिन नहीं। मैं एक पढ़े लिखा और जिम्मेदार भारत के नागरिक होने के नाते, भारतवासी होने के नाते, प्रेम होने के नाते, मैंने ये जो है तेज बहादुर जी के इलेक्शन में फाइट करने के लिए मुहिम छेड़ा। यहाँ पे क्यों आना पड़ा तेज बहादुर जी केस में? निश्चित रूप से मैं 2010 से जो सेना में, बीएसएफ में जो भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध मैं सारी कार्रवाइयाँ करता रहा, मुझे पीड़ित किया गया। मैंने 400 पेज का दिसंबर 2016 में मैंने प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री, सबको लिख के दिया, सारी 400 पेज, 200 पेज सबूत लगाए, और मैंने सारे कॉरेस्पॉन्डेंस किए, दो तीन इंक्वायरियाँ पीएमओ ऑफिस से, दो तीन जो है गृह मंत्रालय, ह्यूमन राइट्स चल रही हैं, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। हमेशा सत्ता, ये लोग कहते हैं संगठन, कि आप सिस्टम से आइए आपको न्याय मिलेगा, लेकिन हम सिस्टम से गए तो हमें न्याय नहीं मिला। जब ये कहते हैं तेज बहादुर सिस्टम तोड़े तो इनको बर्खास्त कर दिए, तो ये जवान जाए कहाँ? अगर सिस्टम से आता है तो भी नहीं सुना जाता, अगर विदाउट सिस्टम से रोता है तो भी सजा दी जाती है। ये पीड़ित जवान मीडिया में जा नहीं सकता, इतना पैसे नहीं कि न्यायालय में जाए, हमें संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, तो ये जवान जाए कहाँ, करे क्या, बताइए। ये आप मुझे बताइए कि आप पैरामिलिट्री फोर्स से थे, ओवरऑल CRPF है, IDBP है, SSB है, BSF है, इनमें क्या प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? खाना पीना, रहना सहना, क्या प्रॉब्लम्स हैं? बिल्कुल मैं बताऊंगा, जो मैंने जो ऑन पेपर है जो मैं प्राइम मिनिस्टर को खुद लिख के दिया जस्टिफिकेशन के साथ, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या, देखिए हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, हमें तनख्वाह 2 लाख कर दीजिए, हमें मारिए पीटिए, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें आज की डेट में सामान्य अवस्थाओं में मूलभूत सुविधाएं, जैसे पीने का पानी, जहाँ नमकीन पानी है, बहुत ठंडा पानी है, वहाँ गर्म नहीं मिलता, जहाँ बहुत गर्मी जैसलमेर बाड़मेर पड़ रही है, वहाँ हमारे पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, हम 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद रात को 3.5 घंटा, दिन में 2.5 घंटा सोते हैं, हमारे सुविधा नहीं है, हम सोने के बाद कैसे ड्यूटी करेंगे? हमारे लिए पहनने के लिए, रहने के लिए मकान, नहाने के लिए हमारे बाथरूम नहीं, हम बाहर खुले में नहाते हैं जाड़े के दिनों में, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये हमें, हमारा खाना नहीं मिलता है। तेज बहादुर आन पेपर में, मेरे पास ऐसे स्टिंग ऑपरेशन है और आन पेपर में निकला है कि सीमा सुरक्षा बल में खाना खराब मिलता है, माना गया है, खाने में बिल्कुल भ्रष्टाचार होता है, हमें जो पोषक तत्व तो मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता है। अभी मैं तमाम देख रहा हूं कि मीडिया वाले जो एंटी हैं वो क्या चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि तेज बहादुर एक सेना का जवान था, उसको क्या है, भूखे 10 दिन रह सकता है? मैं ये कहना चाहूँगा कि असलियत ये थी कि कोई चीज़ जब इशू होती है तो कहीं रिसीव्ड होती है, जब वो चीज़ इशू हुई, जीरा इशू हुआ, रिसीव जब निचले स्तर पर हुई तो जीरा क्यों नहीं पड़ा, वो जीरा कहाँ गया? वही तो दाल की बात है, वो दाल की शिकायत नहीं, हमें अगर दाल दी जाती है 100 ग्राम तो 100 ग्राम की एंट्री ही की जाए, पनीर की ना की जाए, तो जो सामान आया था वहाँ पे, दिया गया था, बिल्कुल रिसीव्ड हुआ है, एक्सपेंडिचर दिखाया गया कि जीरा है, सारी चीज़, हल्दी पड़ी है, सब कुछ है, वो चीज़ें क्यों नहीं थी, वो कौन खाया? हम इससे इतर अगर खिचड़ी देते हैं तो आप खिचड़ी एंट्री करिए, आप पनीर क्यों कर रहे हैं? मामला ये है देशवासियों, न कि मामला हम 10 दिन भूखे रह सकते हैं, तो आप एंट्री करिए कि 10 दिन कोई भी राशन एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, हम उसकी शिकायत नहीं करते हैं। तो ये हालात है वहाँ पे, आता कुछ है, बनता कुछ है, मेस मीनू बकायदे होता है, मेस मीनू का पालन नहीं होता है, मेरे पास प्रूफ है, खाना कुछ और बनता है, डेली चेकिंग होता है, मेस जो एक एसओज होता है वो लिखता है कि आज ये खाना बना मेस मेनू के प्रकार से, आप मेस मेनू मनवाइए, अगर एक भी मेस मेनू के हिसाब से मिले, साइन तक नहीं मिलेगा डेली चेकिंग का, ये हालत सुपरवाइजर स्टाफ का, अधिकारियों का, मतलब घोटाला ही घोटाला है। उसके बाद हमें शहीद का दर्जा नहीं, पुलवामा मरे लोगों को शहीद दर्जा नहीं मिला। सरकार ये बोलती है कि आपका सर्विस पीरियड जो है डिफेंस फोर्सेज से ज़्यादा है, आप इंडियन पुलिस एक्ट 1956 के तहत आते हैं, इसलिए आप पैरामिलिट्री फोर्स हैं, इसलिए आपको शहीद का दर्जा नहीं मिला। मुझे एक सवाल कहना है, जब आप कैलकुलेशन करें, आर्मी की भी 58 है, आप कैलकुलेशन जो भी रैंक बढ़ता जाता है, आप जनरल की उम्र बताइए कितनी है, जनरल की उम्र बताइए, आप मीडिया के माध्यम देश सामने, उनकी 57-58 साल है, एक आर्मी का जवान करता है नौकरी, बीच में जा सकता है वो, जो जो उसका प्रमोशन होता है त्यों त्यों उसकी नौकरी बढ़ती जाती है, वो भी 57-58 साल करता है। लेकिन मैं एक और कहना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से, क्या खून का भी कीमत अलग होना चाहिए? अगर मैं BSF का जवान फर्स्ट लाइन डिफेंस में खड़ा हूँ, पीछे मेरे आर्मी का जवान खड़ा है, हम एलोशिप ड्यूटी थे, मुझे गोली लगी, वो गोली पार होके उसको लगी, तो क्या दोनों को अलग दर्जा मिलना चाहिए? सवाल है ना। आप संशोधन तलाक पे, 3 तलाक पे कर सकते हैं, रात को 12 बजे
कोर्ट खुलवा सकते हैं, सारा सब कुछ है, क्या इसमें बदलाव नहीं हो सकता? क्या 56 आप कहते हैं हमारे हमारे में पुलिस में 1860 का, हमारे में 1911 का ब्रिटिश कानून लागू है, हमारे बाप दादा ने युद्ध लड़ा, क्या हमें भारतीय संविधान दायर नहीं होना चाहिए? एक अगर ऑफिसर हमारे साथ अप्राकृतिक मैथुन करता है, हमें थप्पड़ मारता है, उसको सजा अलग है, अगर हम करते हैं वही काम सजा अलग, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इस परंपराओं को आप ढोएंगे कि ऐसा है? बदलाव चाहिए, बदलाव, हम भी जीना चाहते हैं, हमें 10 ही रुपया दो लेकिन हमें जीना है। एक चीज़ बताइए, अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री जगह जगह जाके ये बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है पुलवामा के हमले को के शहीदों को सामने रखते हुए आप चुनाव में वोट करें, क्या कहना चाहेंगे आप? चूंकि पूरी राजनीति पिछले 5 सालों में सेना के इर्द गिर्द, भारत पाकिस्तान की इर्द गिर्द ही हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सिस्टम के हिस्सा होते हुए? मैं न्यूज़ क्लिक के माध्यम से कहना चाहूँगा, हो सकता है मेरी जस्ट अब क्या गिरफ्तारी हो जाए, जस्ट एक मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें पहले भी RDX आता रहा, हमले होते रहे, कल भी हुए, आज भी हो रहे हैं, कभी किसी सोचा क्यों हुआ? मैं इसका खुलासा कर रहा हूँ। मान लीजिए इस कमरे में आपको एक कीमती वस्तु रख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए 5 आदमी की ज़रूरत है, आपने पूरा समीक्षा कर लिया, अगर 5 आदमी में से अगर 3 आदमी हटा लिए जाएंगे तो क्या ये भवन सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। आप समीक्षा करिए। मैं डोभाल सर से पूछना चाहता हूँ, इनके इनकी जितने भी सेना के अधिकारी हैं जो इनके समीक्षक हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सुरक्षा का मामला, लेकिन देश की जनता को मैं बताऊंगा क्योंकि ऑन पेपर मैंने बताया है। 2 कंपनी अभी हाईलाइट पर देश था, चुनाव की जरूरत नहीं थी, मैं जानता हूँ, डोभाल जवाब दे, हो सकता है गुप्तचर संस्था ने उसको रिपोर्ट दी हो। जब आप हाई अलर्ट देश में हैं वहाँ ज़्यादा सेना की जरूरत है, जहाँ आज तक इतिहास में 1 कंपनी चुनाव में आती रही, वहाँ एक लोकेशन से 2 कंपनी विड्रॉल कर ली गई। आज मैं ऑन पेपर लिख के दिया हूँ कि बॉर्डर 2-2, 3-3 किलोमीटर तक, 100-100, 500-100 मीटर तक खाली है, उनके ड्रोन घूम रहे हैं, सब कुछ, क्या वो चीज़ें नहीं आएंगी? आएंगी। जब हाईलाइट पर था तो आपने पुलवामा इतना घटना हुआ था तो हाईलाइट पर देश का चुनाव आपने क्यों घोषित किया? पुलवामा का श्रेय लेने के लिए कि जल्दी चुनाव हो जाए और सेना का इस्तेमाल कर लिए जाए। देखिए अभी गढ़चिरौली में 16 आदमी मरे ना, कहाँ से आ रहा? पूरा बॉर्डर खाली है। मैं चैलेंज देख कहता हूँ, अभी देश के सत्ताधारी जितने भी जज हैं सब लोग उड़े यहाँ से, फाइटर से, मैं दिखाऊंगा किसी BOP का जो ड्यूटी बुक होता है लगाएं, जहाँ 50 जवान लगते थे आज 20 जवान हैं, कैसे सुरक्षा होगी? मुझे हो सकता है कि मार दिया जाए, गिरफ्तार, ये सच है, पाकिस्तान भी सुन रहा होगा, सारे लोग सुन रहे हैं, पड़ोसी मुल्क सुन रहा होगा, तो खतरा तो है। और गर्चो हमा देखिए, जनता टैक्स देती है, उसको जानने का हक है, जानने का हक है, वो जानना चाहिए कि क्यों होता है। इसीलिए हमने बाकायदे लिखित में दिया है कि आपकी मैन पावर कम है, इसको फिलअप करिए। और एक कटु सत्य, जब से BSF खड़ी हुई है तब से मैन पावर उतनी है, उससे कम हो गई है, लेकिन बढ़ी नहीं, चुनौतियाँ बढ़ी, स्थितियाँ बढ़ी, एरिया बढ़े, लेकिन जवान कम कर दिए गए, कैसे सुरक्षा होगा? ज़रूरत है उनकी संख्या बढ़ाने का, अब संख्या नहीं बढ़ा कैसे सुरक्षा होगा आपका? बताइए मुझे, क्यों नहीं हमले होंगे? जब मैंने लिखित दिया आपको, आप कहेंगे मुझे जानकारी नहीं। मैं मणिदेव चतुर्वेदी कहता हूँ, 2016 में मैंने 400 पेज का दिया है बाकायदे स्ट्रेंथ बना के कि ये जरूरत न पड़ी कि आपकी बॉर्डर खाली चल रहा है, यहाँ पे जो OP ऑब्जर्वर पॉइंट था, सेना थे, यहाँ पे 2 दिन लगता है, 2 दिन विड्रॉल हो जाता है, यहाँ से आपकी स्मगलिंग होती है, मैंने बाकायदे लिख के दिया, आप ले जाना चाहें तो प्रिंट करा लीजिए। सरकार ये कहती है कि ये अब तक की सबसे मजबूत सरकार है, पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है, आपको क्या लगता है? कड़ा जवाब देख सकते हैं, कड़ा जवाब का ये है कि पहले भी कड़ा जवाब दिया गया है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं राइफल लेके बैठा हुआ हूँ, मुझे दुश्मन कोई फायर करके निकल जाए या मेरे सामने कोई आतंकवादी हो जाए, कोई देशवासी ऐसा ना बुलेट का जवाब बुलेट से देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ढिढोरा पीटा जा रहा है, आप रहेंगे तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे दुश्मन को? कदापि नहीं। ये सरकारें कहती हैं कि हमने ये किया वो किया, वहाँ बैठा जवान जब बुलेट की गोली आती है, कोई उग्रवादी आता है तो उसको ठोकता है, वो सरकार की मुंह नहीं देखा, सरकार मुझे ऑर्डर देगी, हमें फ़ोन करेंगे तब जाएंगे, वो चंद सेकंड का होता है, 100-200 मीटर पर दुश्मन दिखता है, हम क्या फ़ोन करेंगे? हमारे अधिकारियों को, वो मालिक होता है जो ड्यूटी पर खड़ा होता है, वो मालिक होता है, 200 मीटर का आर पार की बात होती है, हम अपने अधिकारी को, अधिकारी वहाँ वहाँ पता नहीं, हम हमेशा कड़ा जवाब दिया है, अब भी तब भी, बस इसको
ढिढोरा पिटा जा रहा है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सेना के सेना को लेकर के, सेना के जवानों के लाशों पर बैठकर ये जो है चुनाव की बैतरनी सत्ता पार करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका साक्षात नमूना, साक्षात नाम तेज बहादुर का नामांकन। मैं पूछता हूँ, क्या हमें मत देने का अधिकार नहीं है? मेरा मौलिक अधिकार है वोट देने का। क्या मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? मेरा मौलिक अधिकार है। आज मुझे रोका गया, हम सजायाफ्ता मुजरिम है, हमको कोर्ट से जारी एक अनुशासनहीनता। लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स, जब वहाँ से क्लियरेंस मिल गया तो बोला आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने नामांकन के साथ क्यों नहीं जमा करवाया, आप ओके की रिपोर्ट लिख दे, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं पूछता हूँ, गौतम गंभीर दो आईडी रखा है, उसका कैसे? स्मृता ईरानी अपनी दो बार क्वेश्चन छुपाई, उनका क्यों? मोदी जी ने दो बार अपनी पत्नियों का उल्लेख नहीं किया, उनका क्यों निरस्त हुआ? हमारा ही क्यों? बताइए, हमने अपील किया था, लिखा था, मायावती जी को लिखा, राहुल जी को लिखा, अखिलेश जी को, कि एक सेना का जवान लड़ रहा है, आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार है। आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन एक सवाल आपसे करता हूँ, एक आप छात्र हैं, अगर आपको चार दिन जगा दिया जाए, पांचवें दिन आपको एक हार्वर्ड से एक ट्यूटर हायर किया जाए, बोला पढ़ो, क्या पढ़ पाएंगे? शायद नहीं। सर, हमारे समय सारी गने रख दी जाए, हम सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से थके हुए कैसे गन चलाएंगे? आप कह रहे हमने ये किया, जब तक हम हमें मजबूत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, हम चलाने वाले हैं। मोदी सरकार ये कहती है कि पिछले 5 साल में सेना का मोराल बहुत ऊंचा हुआ है, कितनी सच्चाई है इसमें? अब देखिए, मोराल आपके सामने है, पानी पीने को नहीं, खाने को नहीं, नहाने को नहीं। अभी हम ट्रेन में, हमको बोला जाए कि अब कश्मीर जाना है, पता है आपको 65% क्या 55% जो भी हो, मुझे याद नहीं, 55-56% तत्काल में चला जाता है, हमको एक वारंट मिलता है। हमको ये सुविधा नहीं है कि हम तत्काल में रिजर्वेशन करा सकें, लेकिन एक नेता, एक नेता के लिए तुरंत कहेगा राजधानी में, अभी उसको टिकट बुक हो जाएगा। हम देश के लड़ने जा रहे हैं, हमारे लिए क्या सुविधाएं हैं बताइए ना, हम कैसे जाएंगे लड़ने के लिए? वहाँ पे लैट्रिन में बैठ के जाते हैं, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। एक नेता 5 साल चुना जाता है, उसको पेंशन है, कदम रखते ही संसद में दोबारा फिर, हमारे लिए कोई पेंशन नहीं है, क्या मोराल ऊँचा है बताइए ना, बताइए आप। ये जवान रिट्वीट करता है, इसको बर्खास्त पंकज मिश्रा कर देता है, तेज बहादुर अपनी कंप्लेन करता है, उसको बर्खास्त किया जाता है। मैं पीड़ित, 1.5 घंटे में मैंने रात को 12 बजे देता हूँ उनकी पीड़ित को जैसे, और मुझे 4 घंटे वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दिया जाता है। मैं 6 साल से लड़ रहा हूँ, मैं क्यों नौकरी करूँ? आप एक और एक कटु सवाल जानते हैं, आप अच्छी पगार मिलती है गवर्नमेंट में, अच्छी पगार है, 50-60 हज़ार रुपये है, वो पगार छोड़ के एक जवान जो ड्यूटी करता है, आता है किसी माल सेंटर में सलूट मारता है, किसी जो सर्विस सेंटर इनका है जो सिक्योरिटी का, वहाँ पे वो 20,000 में 10,000 में नौकरी करता है, किसी बॉडीगार्ड किसी का बनता है, 10,000 में सलूट मारता है, वो तिरंगे को मार रहा होता है जवान, उस 60,000 को लात मार के उनकी पीड़िता, जो पीड़ित होता है, जो हमको सताते हैं, उसको छोड़ के 10,000 नौकरी करता है, शर्म नहीं आती आपको? ये है आपका मोराल, जाइए BHU में देखिए, तमाम रिटायर्ड कर्मचारी सेना और सैनिक बल के, तमाम सिक्योरिटी एजेंसियाँ, तमाम 10,000-20,000 पर उस 60,000 को छोड़ के आई हैं, इज्जत से जीने के लिए, सम्मान से। यही मोराल है, यही मोराल है, बताइए आप।